नमस्कार, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को जानिए और इसकी सारी विशेषताएं क्या है और पॉइंट वाइज हम देखेंगे। तो पहले पॉइंट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप क्या है, दूसरे में हम देखेंगे संपत्ति का हस्तांतरण क्या दर्शाता है, उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के प्रकार क्या है, प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किन संपत्तियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, मौखिक समझौता के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण, अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होता है, जो बच्चा जन्म में नहीं आया है तो बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में, संपत्ति के ट्रांसफर के दौरान विक्रेता की जिम्मेदारियां क्या है, संपत्ति के ट्रांसफर के दौरान खरीदार के कर्तव्य क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कुछ उसके तथ्य क्या है, और ये सब आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। भारतीय कानूनी व्यवस्था में प्रॉपर्टीज की दो श्रेणियां में बांटी जाती है, अचल और चल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट TOPA 1882 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ है ताकि लोग प्रॉपर्टी की लेन देन कर सके। भारतीय कानूनी व्यवस्था में सबसे पुराने कानूनों में से एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कानून का एक विस्तार है और उत्तराधिकारी कानूनों में समानतांतर चलता है। अपनी अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने की योजना बनाने वालों के लिए इस अधिनियम के प्रमुख पहलुओं का जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यह कानून मुख्य रूप से अचल संपत्ति के एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर करने में लागू होता है। इसके अलावा यह कानून लोगों को और कंपनियों द्वारा संपत्ति ट्रांसफर पर लागू है। हालांकि संपत्ति अधिनियम का ट्रांसफर प्रॉपर्टियों के कामों पर लागू होता है, न कि कानून द्वारा लागू हस्तांतरण पर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लोगों को और कंपनियों द्वारा अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर लागू होता है, सेल, लीज, गिरवी, एक्सचेंज, गिफ्ट या नीलामी से जुड़े दावों के रूप में ये एक्ट लागू होता है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या हुक्मनामा के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। संपत्ति का हस्तांतरण क्या दर्शाता है? हस्तांतरण शब्द में बिक्री, गिरवी, पट्टे, नीलामी, योग्य दावा, गिफ्ट या एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफर शामिल है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या हुक्मनामा के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। यह कानून न तो वसीयत के माध्यम से संपत्तियों के निपटान पर लागू होता है और न ही संपत्ति के उत्तराधिकारियों के मामलों से निपटता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के प्रकार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 6 तरह के संपत्ति हस्तांतरण के बारे में बात की गई है। पहली बिक्री, दूसरी लीज, तीसरी गिरवी, चौथी एक्सचेंज, पांचवे गिफ्ट और छठवी है नीलामी योग्य दावा। प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है? यह कानून सेक्शन 7 कहता है कि लोग आपस में कानूनी रूप से प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफर करने के योग्य है। सेक्शन में लिखा है हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट और संपत्ति का ट्रांसफर करने का हकदार है या वह संपत्ति का निपटान करने के लिए खुद अधिकृत नहीं है
वह ऐसी संपत्ति को ट्रांसफर करने में सक्षम या तो पूरी तरह आंशिक रूप से, पूरी तरह से या फिर सशर्त है, जिसे कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा अनुमत और एक सीमा तक निर्धारित किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक एक व्यक्ति की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वह कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सके। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किन संपत्तियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? अचल संपत्ति के मामले में कोई शख्स ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता जिसे उसे भविष्य में विरासत से मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर राम को उम्मीद है कि उसके मामा, जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, वह अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर देंगे और वह संपत्ति मैं अपने अधिकार को अपने बेटे को हस्तांतरित कर दूंगा, लेकिन इस लेन देन को अवैध माना गया है। एक पट्टेदार भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर ऑफ एक्ट के तहत पट्टे पर दी गई संपत्ति में फिर से एंट्री के अपने अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर राम ने लीज पर एक प्लॉट मोहन को दिया और लीज एग्रीमेंट के में एक क्लॉज रखा कि अगर किराया 3 महीने से ज्यादा भुगतान नहीं किया गया तो उसे री एंट्री का अधिकार होगा, उसे अकेले ही यह करने का अधिकार होगा। ऐसे में वह अपने सहयोगी गणेश को री एंट्री करने का अपना अधिकार नहीं दे सकता। कानून के में सुविधा अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी प्रतिबंध है। सुविधा अधिकार का मतलब किसी और की भूमि या संपत्ति का किसी तरह में उपयोग करने का हक, इसमें आने जाने का अधिकार, रास्ता, प्रकाश का अधिकार और पानी का अधिकार इत्यादि शामिल है। उदाहरण के तौर पर मोहन की जमीन पर आने वाले जाने का अधिकार राम के पास है। राम तय करता है कि वह आने जाने का अधिकार गणेश को देगा। चूंकि यह सुविधा के अधिकार के ट्रांसफर का मामला है, लिहाजा गैर कानूनी है। एक संपत्ति में किसी के हित को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई घर अपने निजी उपयोग के लिए राम को उधार दे रहा है तो वह मोहन के भोग के अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। भविष्य में रख रखाव का अधिकार केवल उस शक्त के निजी फायदे के लिए है जिसे इसे कहा दिया किया गया है, इसलिए यह अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक किराएदार के पास ऑक्यूपेंसी का गैर हस्तांतरण अधिकारी होता है। वह अधिभोग में न तो अपने हितों को अलग नहीं कर सकता है और न ही ऐसा असाइन कर सकता है। इसी तरह अगर किसी संपत्ति का किसान या राजस्व का भुगतान करने में चूक गया है, वह होल्डिंग में अपने हितों को असाइन नहीं कर सकता। वही कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन के तहत वह संपत्ति एक पट्टेदार का सच है। मौखिक समझौते के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण एक्ट की सेक्शन 9 के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर मौखिक समझौते के तहत प्रभावित हो सकता है, जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता है कि लेन देन को खत्म करने के लिए एक लिखित समझौता होना चाहिए। अगर अचल संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए से कम है
तो इस तरह के ट्रांसफर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए या संपत्ति के विवरण द्वारा किए जा सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मौखिक समझौता काम नहीं करता, सिर्फ प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में को छोड़कर जहां परिवार के सदस्य एक मौखिक समझौते के जुड़ते हैं और संपत्ति का व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बंटवारा करते हैं, संपत्ति के एक्सचेंज के लिए अक्सर कानूनी रूप से वैध होने के लिए लेन देन के लिए लिखित समझौतों की जरूरत होती है। यह बिक्री, गिफ्ट, पट्टे आदि के लिए सच है। अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा पीढ़ियों को ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है तो उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रावधानों को दिमाग में रखना होगा। यह बात की व्यवस्था में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए अनिवार्य हो जाता है। संपत्ति अधिनियम की धारा 13 और धारा 14 के किए गए प्रावधानों के तहत एक अजन्मे बच्चों के नाम पर सीधे संपत्ति का ट्रांसफर बैन है। ऐसा होने के देने के लिए ट्रांसफर करने की इच्छा रखने वाले शख्स को पहले उससे उस व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर करना होगा जो ट्रांसफर की तारीख पर जिंदा है। संपत्ति को उस अजन्मे बच्चे के नाम से तब तक निहित करना होगा जब तक वह पैदा नहीं हो जाता। मूल रूप में किसी प्रॉपर्टी में अजन्मे बच्चों के हित को पूर्व हित के से पहले होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान दीजिए कि राम ने अपने बेटे मोहन और फिर अजन्मे पोता पोती को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की योजना बनाई है। इस मामले में बच्चा राम के निधन से पहले पैदा नहीं हुआ था, इसलिए ट्रांसफर को अवैध नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर वैध तभी माना जाएगा अगर बच्चा राम के निधन से पहले पैदा हो गया होता। बच्चे के पैदा होने तक प्रॉपर्टी में हित मोहन के पास रहेगी। संपत्ति के ट्रांसफर के दौरान विक्रेता की जिम्मेदारियां। अधिनियम की धारा 54 एक संपत्ति के विक्रेता की जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। प्रॉपर्टी में किसी भी दोषपूर्ण सामग्री के बारे में खरीदार को बताना। खरीदार के अनुरोध पर जांच के लिए संपत्ति के जुड़े टाइटल के सारे दस्तावेज मुहैया करना। अगर प्रॉपर्टी ग्राहक के टाइटल से जुड़े कोई सवाल करता है तो अपने पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ जानकारी मुहैया करना। जब खरीदार कीमत के संबंध में सही समय या जगह पर भुगतान या राशि के टेंडर को अमल में लाने के लिए कहे तो प्रॉपर्टी के कन्वेंस का निष्पादन करना। बिक्री की तारीख और संपत्ति की डिलीवरी के बीच के समय में प्रॉपर्टी और उससे जुड़े दस्तावेजों की देखभाल करना। खरीदार को प्रॉपर्टी की पोजीशन देना। बिक्री की तारीख तक प्रॉपर्टी के मामले में सभी पब्लिक चार्जेस और किराया चुकाना। प्रॉपर्टी पर मौजूद सभी इनकम्बरेंस को चुकाना। संपत्ति के ट्रांसफर के दौरान खरीदार के कर्तव्य। विक्रेता को संपत्ति के बारे में किसी भी तथ्य का खुलासा करने के लिए कहना जिसके बारे में खरीदार को पता है, लेकिन यह मानना का कारण है कि विक्रेता को इस बारे में पता नहीं है, उससे किसी हित की वैल्यू और बढ़ जाती है। बिक्री पूरी होने के बाद विक्रेता को पैसों का भुगतान कराना। अगर कोई विनाश, चोट या प्रॉपर्टी के वैल्यू में गिरावट
जो विक्रोता के कारण में नहीं हुई है उस नुकसान को उठाना, जा प्रॉपर्टी की मालिकाना हक अब ग्राहक के पास आ गया है। जिस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक खरीदार के पास चला गया है उसके सभी सार्वजनिक शुल्क और किराया भरना और किसी भी एनकंबरेंस के कारण मुख्य मुद्राएं बेची जाती है, जिसके कारण संपत्ति बेची जाती है और उसके बाद ब्याज देय होता है। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अस्तित्व में आने से पहले भारत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंग्रेजी कानूनों के जरिए होती थी। 17 फरवरी 1882 को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लाया गया। 1 जुलाई 1882 को यह लागू हुआ। इस कानून में 8 चैप्टर्स है और 137 सेक्शंस है। यह मुख्य रूप में चल अचल संपत्ति के ट्रांसफर से संबंधित है, जबकि कुछ खंड चल संपत्ति से भी जुड़े हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अनुबंधों के कानून का एक हिस्सा है। पूरे भारत में लोगों के बीच हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर यह लागू होता है। बिना वसीयत और वसीयतनामा अधिकार से जुड़े कानूनों के साथ यह समांतर चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब होने के बाद आपके दोस्तों के लिए ट्रांसफर करो, फॉरवर्ड करो। थैंक यू वेरी मच।